गाय साहब एक YouTube क्रिएटर हैं, तो आपको पोपट हो गया पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यार ये तो मनोज दे ने बोला है ना, 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल अगर किसी बात को बोलता है तो आप लोग उस पर विश्वास बहुत जल्दी करते हो और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने अपने वीडियो में क्या बोला है यहाँ पर आप सुन लीजिए। अभी आप लोगों में एक और टाइटल सजेस्ट करूंगा जिसपे वीडियो बनाने से आपका वायरल होगा, और वो टाइटल है दोस्तों पोपट हो गया। अब आप लोग बोलो भाई ये कौन सा टाइटल आज मनोज भाई सजेस्ट कर रहा, पोपट हो गया, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, इस पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको अच्छा खासा व्यूज देखने को मिलेगा, इसके पीछे रीजन है। ये वीडियो मनोज दे ने कल अपने चैनल पर अपलोड किया था, और इस वीडियो में जो इन्होंने बोला है कि पोपट हो गया पर अगर आप वीडियो बनाते हो, मतलब टाइटल में लगाकर टैग्स भी बताएं किस तरीके से लगाने हैं, तो आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जा सकती है, सौरभ जोशी के वीडियो के नीचे सजेस्ट की जा सकती है, जिससे क्या है कि आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आने की चांस है, ठीक है। और इन्होंने इसी वीडियो में ये भी बोला है कि उन्होंने पहले भी एक आपको टाइटल सजेस्ट किया था माई फर्स्ट ब्लॉग का, और जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और वो वीडियो वायरल हुए। तो हाँ हम मानते हैं कि यार माय फर्स्ट ब्लॉग एक ऐसा कीवर्ड है जिसको लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं, और पहले से भी सर्च करते थे, और जब से इन्होंने वीडियो बनाया था टाइटल बताया था तब से भी सर्च करने लगे, बहुत ज़्यादा सर्च करने लगे। और वो कीवर्ड ही ऐसा है कि अगर अभी आप सर्च करोगे कपिल भाई फर्स्ट वीडियो या मनोज देव फर्स्ट वीडियो, क्या इस कीवर्ड को रैंक कराया गया था? नहीं कराया गया था। लोग जानना चाहते हैं कि इनकी फर्स्ट वीडियो क्या है। अब ऐसे ही है कि जब भी कोई यूट्यूब पर आता है ब्लॉग बनाने के लिए तो वो फर्स्ट ब्लॉग बनाने से पहले सर्च करता है माय फर्स्ट ब्लॉग। क्यों सर्च करता है? वो देखता है कितने लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, स्टार्टिंग किस तरीके से की है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए कोई भी यूट्यूब पर सर्च करता है माय फर्स्ट ब्लॉग। इसीलिए वो कीवर्ड ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, और मनोज दे ने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, उस दिन से वो कीवर्ड और ज़्यादा ट्रेंड में चलने लगा, क्योंकि भाई अब लाख दो लाख लोग अचानक से उस कीवर्ड को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड ऑटोमेटिक ट्रेंड में आ जाएगा, रैंक करने लगेगा, और उस कीवर्ड पर काफ़ी सारे लोगों की वीडियो वायरल होने लगी। आज के समय में भी अगर माई फर्स्ट ब्लॉग को अच्छे से मेंटेन करके कोई अपने वीडियो पर डालता है और अच्छा सा वीडियो है, CTR भी अच्छा आता है, तो वो वीडियो चला जाता है, वायरल हो जाता है। लेकिन इस बार जो कीवर्ड उन्होंने बताया है पोपट हो गया, क्या लॉजिक है इसका, क्या मतलब है, क्या मीन्स है, मतलब इसको कौन सर्च करेगा? पहले भी कोई सर्च नहीं करता था, हो सकता है कुछ लोग सर्च करते हों जो सौरभ जोशी के फैंस हैं, क्योंकि सौरभ जोशी के मोस्टली जो वीडियोस होते हैं उनमें पोपट हो गया कीवर्ड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। मैं इस चीज़ को लगभग एक साल से देख रहा हूँ, पोपट हो गया काफ़ी सारे टाइटल्स में यूज किया गया है और उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। अब ये पोपट का मतलब क्या होता है, और इस पोपट को लगाने से क्या आपके भी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे? सौरभ जोशी के आ रहे हैं तो क्या आपके भी मिलियंस में व्यूज़ आने वाले हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये पोपट हो गया जो अभी ट्रेंड करेगा एक या दो दिन के अंदर, वो इसलिए करेगा क्योंकि मनोज दे के जो फैंस हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो पोपट हो गया पर वीडियोज़ बनाएंगे और पोपट हो गया को सर्च करेंगे, जिस वजह से 2-3 दिन 4-5 दिन 10 दिन तक मान लो ये कीवर्ड ट्रेंड करेगा, उसके बाद पोपट हो गया का नाम पता नहीं मिलेगा आपको देखने को। लेकिन माय फर्स्ट ब्लॉग जो कीवर्ड था वो आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा, और पहले भी चलता था, इसलिए माय फर्स्ट ब्लॉग चलेगा। मतलब ये पोपट हो गया तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब क्या है पोपट? आप देखिएगा, पोपट का मतलब होता है बुद्धू या फिर उल्लू, मतलब कुछ भी, आपको पागल बनाना। तो ऐसी समझ लो कि इस टाइटल को दिखाकर आपको पागल बना दिया गया, पोपट आपको बना दिया गया है, ठीक है। तो आप पोपट बन चुके हैं और अब आप दूसरों को पोपट बनाएंगे वीडियोस को बनाकर, क्योंकि यहाँ भाई मनोज भाई बोल रहे हैं कि आप इस टाइटल को लगाकर अपने चैनल पर वीडियो बना डालिए, आपके वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएगा। अब भाई हर किसी को व्यूज़ चाहिए तो वो सबको पोपट बनाएगा व्यूज़ के लिए। अब भाई एक चीज़ बताओ कि पोपट अगर हम टैग चैनल है हमारा तो हम पोपट क्यों डालेंगे, या हमारा कुकिंग चैनल है हम पोपट पर वीडियो क्यों बनाएंगे? और एक चीज़ की मनोज दे ने अपनी वीडियो में आपको यूट्यूब पर सर्च करके दिखाया था कि अगर आप मनोज दे सर्च करते हो तो आगे पॉडकास्ट लिख के आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सर्चेबल टॉपिक क्या होता है। दोस्तों सर्चेबल टॉपिक वो होता है कि जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है उसका, तो हम लोग जिस चीज को ज्यादा, मतलब लोग, पब्लिक, ऑडियंस जिस चीज को ज्यादा सर्च करता है वही चीज यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ मनोज, ठीक है, यहाँ पर मैंने मनोज लिखा, तो ये देखिए मनोज दे पॉडकास्ट आ गया। देखिए अभी मनोज दे से भी ज्यादा पहले क्या आया, मनोज दे पॉडकास्ट आया, मनोज दे पॉडकास्ट, मनोज दे ब्लॉग, मनोज दे फर्स्ट वीडियो। तो क्या हो रहा है कि ये सब चीज यहाँ पर सर्च होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक से रिकमेंड कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो दिखाया था, मैं वही स्क्रीनशॉट आपको सामने दिखा रहा हूं। आप यहां पर देखिएगा, दो तरीके के कीवर्ड आ रहे हैं, दो तरीके के यहां पर सिंबल बन के आ रहे हैं कीवर्ड के सामने, जो ऊपर कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं इनके आगे देखिए एक, मतलब जो आइकन आ रहा है वो आइकन होता है हमारा ब्राउज हिस्ट्री का। मतलब ये है कि जिस डिवाइस में अभी आप सर्च कर रहे हो इस डिवाइस में ये कीवर्ड पहले से सर्च किए जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पर किसी नई डिवाइस में सर्च करते हो
तो आपको पता है कौन से कीवर्ड मिलेंगे, जो आपको यहां पर नीचे शो कर रहे हैं, जिस पर सर्च का आइकन आ रहा है, ये कीवर्ड सर्च करेंगे। अगर आप मनोज दे मतलब सर्च करोगे तो ये कीवर्ड आपको सजेस्ट किया करेगा यूट्यूब, वो ऊपर वाले नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले तो वो इनकी ब्राउज हिस्ट्री के हैं, वो मनोज दे ने खुद अपने डिवाइस में सर्च किए हैं, इसलिए इनके यहाँ मनोज दे लिखने से वो कीवर्ड ऊपर आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप पोपट तो पहले से बन चुके हैं, ठीक है, आप पोपट बन गए, आप अब दूसरों को पोपट बनाएंगे, और पता नहीं आप कितने कितनों से पोपट बनने जा रहे हैं। अभी आप मुझसे पोपट बन रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ पर टाइटल में दिखा रहा हूँ, पोपट हो गया। सभी के जितने सारे आप पोपट हो गया के वीडियो देखोगे, आप समझ लो सबके पोपट बन चुके हो, और अब आप भी दूसरों को वीडियो बनाकर पोपट बनाओगे। बस यही होने वाला है 10 दिन तक लगभग, और तब तक ये कीवर्ड ट्रेंड करेगा, लोग पोपट बनेंगे, एक दूसरे को बनाएंगे, और उसके बाद ये कीवर्ड बंद हो जाएगा। तो अभी फ़ायदा उठाना है तो उठा लो, मैं तो उठा ही रहा हूँ, आप देख सकते हो वीडियो। और वैसे भी आपको बता दें, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स, कई सारे ऐसे मीम्स जो है ट्रेंड में आते रहते हैं, जो कुछ दिन तक चलते हैं, और जिन पर लोग वीडियो बनाते हैं, तो कुछ लोगों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, चैनल ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोगों के वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आते। तो ये होता है, अब ऐसा नहीं है कि जो भी पोपट हो गया पर वीडियो बनाएगा उसका वीडियो चल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। किसके वीडियो पर कितना व्यूज आएगा, कोई भी गारंटी नहीं है। मिलियंस में वही सौरभ जोशी के आते हैं, मनोज दे के आ जाएंगे, लेकिन आपका तो अभी नहीं आने वाला। आएगा तो हज़ारों में आ सकता है, 1-2 लाख आ सकता है, बस इतना आ सकता है, वो भी किसी किसी चैनल पर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इसमें मेन फ़ायदा किसका होने वाला है। देखिए, आप सर्च करते हो पोपट हो गया, तो अगर आप किसी की भी वीडियो प्ले करते हो, पोपट हो गया, किसी की भी वीडियो प्ले करते हो, तो उस वीडियो के सजेशन में जो वीडियो शो करेगी वो मनोज दे की होगी, या फिर मनोज दे जैसे किसी और क्रिएटर की होगी, जिसने पोपट हो गया कीवर्ड का यूज किया और जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए। क्योंकि आपको पता है कि सजेशन में वही वीडियो आती है जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो पोपट हो गया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो उसके सजेशन में कहीं ना कहीं मनोज दे की वीडियो शो करेगी, और हो सका तो ऊपर ही शो कर जाएगी, क्योंकि मनोज दे की पोपट हो गया वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा हो चुका होगा तब तक, और अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले वीडियो उन्हीं ने बनाया टैग कैटेगरी में। मनोज दे ने यहाँ पर बताया है कि आपको टैग किस तरीके से लगाने हैं, टाइटल किस तरीके से लगाना है, कि हो सकता है आपका वीडियो रेकमेंड सौरभ जोशी व्लॉग्स के वीडियोस के नीचे भी हो सकता है, अगर आप इस टाइटल को यूज करते हो पोपट हो गया। लेकिन टैग लगाना कैसे है, देखिए टाइटल आपको लगाना पोपट हो गया, लेकिन टैग आपको कैसे लगाना वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, तो ही आप रेकमेंड करवा सकते हो। टाइटल में आपका पोपट हो गया तो लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन पे भी ये वाला वर्ड होना चाहिए, और जब आप टैग्स लगाओगे, ठीक है, टैग्स जब आप लगाओगे तो आपको घुमा फिरा के इस वाले वर्ड्स को इधर उधर करके टैग्स लगाना। लाइक अगर मैं पहले टैग की बात करूँ तो इसको सेम लगा देना, पोपट हो गया, एक टैग हो गया। अब क्या करना है कि एक टैग लगा दो, पीयूष के साथ पोपट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका चांसेस बनेगा कि सौरभ जोशी ब्लॉग्स में भी आ सकता है। दूसरे में कर देना सौरभ जोशी के साथ पोपट हो गया, ठीक है, पोपट हो गया सौरभ जोशी के साथ, उल्टा कर दिया, इधर से घुमा दिया, पोपट हो गया पीयूष के साथ, या तो पोपट ही पोपट, ठीक है, क्योंकि वो भी वो टैग लगाता है कभी कभी, मतलब टाइटल लगाता है। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो, केवल पोपट हो गया में नहीं, आप अपने अलावा बाकी सारे वीडियो पर भी अगर इसी टाइप से कीवर्ड लगाते हो तो आपके वीडियो और लोगों के भी सजेशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से टैग लगाने का आइडिया मिल गया जो मनोज दे लगाते हैं, मतलब इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब इस वीडियो से आपको ये भी सीखने को मिला कि वीडियो पर आखिर हमें टैग किस तरीके से लगाने चाहिए तो हमारी वीडियो सजेशन में जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, 100% नहीं कह सकते, श्योर नहीं है कि ऐसा करने से आपकी वीडियो सजेशन में जाएगी। अगर आपकी वीडियो पर अच्छा व्यूज़ आता है, अच्छा वॉच टाइम आता है, अच्छा CTR आता है, और अच्छा रिकमेंड परफॉर्म कर रही है आपकी वीडियो, तो क्या है कि आपका वीडियो वहाँ पर सजेशन में जा सकता है। लेकिन जाएगा कब, जब आप कुछ घुमा फिरा के कीवर्ड अपने टैग में लगाते हो, क्योंकि उस चैनल के आपको सजेशन में भेजना है, तो आपको उस चैनल से घुमा फिरा के कुछ कीवर्ड अपने टाइटल से मैच करते हुए और उस चैनल का नाम यूज करते हुए आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपका जो वीडियो है वो उस चैनल के सजेशन में जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाएं का एक वीडियो पर टाइटल लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022, और अगर मैं टैग की बात करूँ तो टैग में लिख दूंगा कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं स्प्रेडिंग ज्ञान, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं मनोज दे, या मनोज दे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। मतलब जिस चैनल के सजेशन में आप अपना वीडियो भेजना चाहते हैं उस चैनल का नाम आपको अपने टाइटल वाले कीवर्ड के साथ लगाकर अपने टैग में लगा देना है। मेरा मतलब आप कुछ समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस तरीके से आपको टैग लगाने। अब ऐसा 100% श्योर नहीं होता है कि आपका वीडियो चला ही जाएगा सजेशन में, क्योंकि सजेशन में जाने के लिए यूट्यूब पर काफ़ी सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं कि आपका वीडियो जो उन्होंने बनाया है उससे काफ़ी मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब आपका जो वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन है, आपका जो CTR है, आपका वॉच टाइम है,
या फिर आपके वीडियो पर जो आने वाले व्यूज़ हैं, जितने व्यूज़ आए हैं, मतलब कम व्यूज़ आते हैं तो आपका वीडियो वहाँ सजेशन में जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करने लगता है यूट्यूब। तो यही होता है, जब तक आपका वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक आपका वीडियो सजेशन में नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई तो करनी है, और कोशिश यही कीजिए कि आपका वीडियो अच्छा परफॉर्म करे। अपनी वीडियो को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, और अपनी कैटेगरी के अपने निश्चित कुछ ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिएगा, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिएगा। मतलब जहाँ भी आपके कैटेगरी के ऑडियंस है वहाँ पर आपको अपना वीडियो शेयर करके उस पर व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करना है, और आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएगा और उस तरीके से आपका वीडियो सजेस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल पोपट हो गया जो कीवर्ड था, उसका टॉपिक जो मैंने आज बनाया था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और आपका काम है अब आप पोपट बनाइए, क्योंकि आप तो पोपट बन ही चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और बनाइए, इस कीवर्ड का यूज कीजिए। मनोज दे ने बोला है, सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि बनाओ, इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, जो भी ट्रेंड आता है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।